छतरपुर की सिविल लाइन पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। 35 किलो गांजे की तस्करी करते हुए दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि भारी मात्रा में गांजे की तस्करी की जा रही है और सिविल लाइन पुलिस ने नाकेबंदी कर एक लग्जरी कार को पकड़ा तो पता चला कि उससे गांजे की तस्करी की जा रही थी और मौके पर ही पुलिस को 35 किलो गांजा गाड़ी में बरामद हुआ। वही इसके साथ दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों के नाम घनश्याम राय और कैलाश राय बताए जा रहे हैं। वहीं पकड़े गए गांजे की कीमत लगभग 6 लाख रुपए बताई जा रही है। इन आरोपियों ने बताया कि ये उत्तर प्रदेश के झांसी से महोबा जिले में गांजे की तस्करी कर रहे थे। वहीं पुलिस ने लग्जरी कार को भी जब्त किया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में गांजा की तस्करी कहां कहां करते हैं और पुलिस को उम्मीद है कि इससे पूछताछ में एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश भी हो सकता है। सूचना मिली थी इसमें एक ग्रे होंडा कार इसमें गांजा मिलने की सूचना मिली थी। उसे मुखबिर के द्वारा जो हमें बताया गया था वहाँ पे हमने रास्ते पर नाकाबंदी कर गाड़ी को रोका। उसमें जब रोकने पर तलाशी दी गई तो उसमें दो बैग और एक ट्रॉली मिली जिसमें प्रथम दृष्टया तलाशी देने पर गांजा पाया गया। लगभग 35 किलो के आसपास वो गांजा उसका वजन था जिसकी कीमत लगभग 6 लाख थी। इसमें दो आरोपी हैं घनश्याम राय और कैलाश राय। ये झांसी से महोबा लेके जा रहे थे और इसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। NDPS के तहत इसमें कार्रवाई की जा रही है। कितने आरोपी? दो आरोपी हैं इसमें। किन दोनों को मामला दर्ज किया गया है? ये 8/20 NDPS एक्ट में कार्रवाई की जा रही है।